हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप दवे आपको आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, क्लास ट्वेल्थ का। क्लास ट्वेल्थ में मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। अब तक हमने दो वीडियो में पढ़ा था मांग क्या है, मांग कैसे प्रभावित होती है, मांग कैसे बनती है। अब अपने पढ़ना है मांग की कीमत लोच। लोच का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोच का शाब्दिक अर्थ है वृद्धि या कमी, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मांग स्थिर नहीं रहती है। लोच का मतलब क्या है? मांग स्थिर नहीं रहती है। मांग में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। इसकी डेफिनेशन देखो, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या, मांग की वस्तु की कीमत में परिवर्तन, तनिक सा परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण, उस परिवर्तन के कारण उसकी उस वस्तु की मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, रेशियो में या परसेंटाइज में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। अब देखो इसका फॉर्मूला, देखो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की मात्रा में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन बट्टा वस्तु की कीमत में प्रतिशत अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला हम क्या ले सकते हैं, Q1 माइनस Q0 बट्टा Q भाग P1 माइनस P0 बट्टा P0, जहां क्या है, P1 बराबर अंतिम कीमत, P0 प्रारंभिक कीमत, Q1 अंतिम कीमत और प्रारंभिक मात्रा Q0। अब देखो एक एग्जांपल तौर एग्जांपल लेते हैं इस पर। माना कि सेब की प्रारंभिक मांग है 10, अंतिम मांग है 15, प्रारंभिक कीमत 20 रुपए और अंतिम कीमत 10 रुपए। अब देखो कितना परिवर्तन हुआ है, प्रारंभिक मांग और अंतिम मांग, Q1 माइनस Q0 बटा Q0 भाग P1 माइनस P0 बटा P0। अब देखो, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। Q1 अपना Q1 क्या है, यानी कि मात्रा क्या है, ये मांग की मात्रा है, अंतिम मात्रा क्या है, 15 माइनस 10 बटा 10 डिवाइड अंतिम कीमत माइनस प्रारंभिक कीमत बट्टा प्रारंभिक कीमत, 5/10 माइनस 10/20। अब देखो 5/10 मल्टीप्लाई 20 माइनस 10 माइनस 1, क्या है, माइनस 1, यानी क्या है, मांग में कमी हुई है। इस तरह से हम क्या है, माइनस एक इलेक्ट्रिसिटी होगी, इसकी क्या हो गई, माइनस 1, यानी कि एक बिंदु की तरफ बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, एक बिंदु की तरफ बढ़ रही है। इस प्रकार से आपको मांग की क्या निकालनी है, कीमत लोच निकालनी है, क्या निकालनी है, कीमत लोच। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर देखो, मांग की कीमत एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत, मांग व कीमत, प्राइस एंड डिमांड, डिमांड एंड
प्राइस एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग प्रतिलोम होता है। संबंध क्या बताता है? प्रतिलोम संबंध बताता है, यानी कि वस्तु की मात्रा में जो कीमत के कारण परिवर्तन हुआ है, वस्तु की कीमत के कारण वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन कितना हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है वह मात्रा ज्ञात करना, उसे हम क्या बोले, मांग की कीमत लोच बोलेंगे। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां देखो, ये अपनी डेफिनेशन पढ़ी, कीमत लोच होती क्या है, कीमत लोच कैसे ज्ञात की जाती है। अब देखो मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो कीमत लोच की श्रेणियां, अब देखो श्रेणियां कितनी है टोटल, कुल पांच है, कितनी है, पांच प्रकार की होती है, कितनी होती है, पांच प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखो पहली है पूर्णतया लोचदार, दूसरी है अपनी सापेक्षतया लोचदार यानी इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, तीसरी है अपनी इकाई के बराबर, बराबर इकाई से कम लोच, हम इसे इकाई से कम लोच है ना, हम इसे क्या बोलेंगे, इकाई से कम बेलोसदार मान, बेलोसदार मांग लोच। शून्य मांग लोच। अब देखो इन श्रेणियों से पहले पढ़ने से पहले हमें एक चीज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब देखो वह कौन सी चीजें, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था आवश्यकता, नीड, नीड के बारे में पढ़ा था। अब देखो नीड कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होगी, अनिवार्य आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता, और तीसरी अपनी कौन सी है, विलासिता। अब देखो मांग किस प्रकार बढ़ती है, किस किन वस्तुओं की बढ़ती है और किन वस्तुओं की घटती है, अब देखो वो व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करती है, अनिवार्य आवश्यकता, आरामदायक और विलासिता, कंपल्सरी, कंपल्सरी नीड यानी अनिवार्य, यानी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए वे आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है। अब देखो इसके अंदर देखो रोटी, कपड़ा, मकान, प्राचीन अवधारणा यानी कि प्राचीन अवधारणा के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान तीन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं के अंदर गिना जाता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में आधुनिक समय में शिक्षा और स्वास्थ्य इन पांच चीजों को अनिवार्य वस्तु माना जाता है। व्यक्ति की कोई दूसरी आवश्यकता पूर्ति हो या न हो,
लेकिन इन पांच वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति होना जरूरी है। इन की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद आरामदायक वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, उसके बाद विलासिता वाली वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अब इनका मांग की लोच पर क्या प्रभाव है, यानी कि अन्य जो वस्तु है आवश्यकता है, व्यक्ति की आवश्यकता का प्रभाव मांग की कीमत लोच पर किस प्रकार है, मांग की कीमत लोच पर किस प्रकार है। मान लो एक सीधी सी बात है, एक स्वविवेकशील प्राणी होता है ना, अब देखो अनिवार्य आवश्यकता कंपल्सरी नीड व्यक्ति, इनकी प्राइस बढ़ो घटो कुछ भी हो, यानी कि कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि हो, कीमत में किसी भी प्रकार की वृद्धि हो वो या कमी हो, व्यक्ति को जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही वस्तुओं की मांग करेगा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है ना। अगर उसे एक रोटी खानी है तो एक रोटी की ही क्या करेगा, मांग करेगा। अगर दो रोटी खानी है तो दो रोटी की ही मांग करेगा वो। यानी कहने का मतलब क्या है, कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन हो लेकिन इन आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। आरामदायक और विलासिता है, इन दो वस्तुओं पर मांग की कीमत लोच का सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। इनकी कीमत में, इन दोनों की वस्तुओं की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाओ, उस परिवर्तन के कारण इन वस्तुओं की मांग में क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, मांग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं पहली पूर्णतया लोचदार फ्लेक्सिबल, पूर्णतया लोचदार मांग है क्या, अब देखते हैं ये क्या रंग दिखाती है अपने को। देखो फर्स्ट पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। अब देखो पूर्णतया लोचदार मांग में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अनंत क्या है, इक्वल टू अनंत बताया है, क्या है अनंत। यानी कहने का मतलब क्या, जब किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, क्या वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है वो पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। अब देखो डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की कीमत में या जब किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। यानी कीमत नहीं बदली है, कीमत में किसी भी प्रकार का क्या हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ है, कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उस वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ है, उस वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ है। इसका डायग्राम और देखो, वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ है, कीमत में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ है, व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ी है, इसमें क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ी है, आवश्यकता बढ़ने के कारण क्या है, वह वस्तु क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। ये प्राइस है, ये क्या प्राइस है, ये क्वांटिटी है Q1 Q2। इसमें देखो क्या बता रहा है इसके, अब देखो क्या कह रहा है ये, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, ये रेखा किसको बता रही, प्रदर्शित कर रही है कीमत को कर रही है, और ओ एक्स यानी कि इस पे क्या कीमत को दर्शाया गया है, किसको दर्शाया है, ओ वाई, ओ वाई पर क्या दर्शाया अपने, कीमत को,
ओ ओ एक अक्ष पर क्या बताया है, वस्तु की मात्रा, यहाँ क्या दर्शाया आपने, मात्रा। हाँ देखो जैसे डेफिनेशन कह रही है ना, वस्तु की कीमत स्थिर है, यहाँ देखो वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है। अब देखो लेकिन व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ रही है और घट रही है, व्यक्ति की, या मान लो पहले आवश्यकता तो क्यों थी, क्या थी, क्यों थी, लेकिन आवश्यकता कम हो गई तो क्या होगा, उसकी मांग कम हो गई, क्यों बंद हो गई। अब यहाँ दूसरा बिंदु लेते हैं अपना, हम क्या लेते हैं दूसरा बिंदु, जब वस्तु की मांग क्या है, क्यों, और प्राइस भी पी, लेकिन वस्तु की कीमत में किसी का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को उसी प्रकार की वस्तु की मांग क्या हो गई है, ज्यादा होगी, तो मांग ज्यादा कर रहा है, Q2 क्या हो गई, Q2 हो गई। ये वक्र कब होगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। अब देखो जैसे हम आगे के यूनिट में पढ़ेंगे बाजार मार्केट, उसके अंदर मार्केट के टाइप्स दे रखे, बाजार के टाइप्स दे रखे हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता शब्द आया है तो उसके बारे में बता देता हूँ मैम। पूर्ण प्रतियोगिता है क्या, परफेक्ट कंपटीशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या होता है, उस बाजार की वह स्थिति जहां पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या है, अधिक हो, क्या है, संख्या क्या हो, अधिक हो, उस स्थिति का कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के फर्म का मांग वक्र क्या है, स्थिर। अब कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने के कारण क्या है, कि उस बाजार में विक्रेताओं की संख्या क्या है, अधिक है, क्या है, विक्रेताओं की संख्या क्या है, अधिक है, और क्रेताओं की संख्या भी क्या है, अधिक है। अब क्रेता मांग कर रहे हैं उस वस्तु की, क्या कर रहे हैं, क्रेता मांग कर, विक्रेता किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर रहा है, लेकिन प्राइस क्या रखेगा, विक्रेता स्थिर है। क्यों, कारण यह है, अगर प्राइस बढ़ा देगा तो उस विक्रेता के पास वह क्रेता नहीं आएगा, इस कारण क्या है, प्राइस स्थिर रखता है पूर्णतया लोचदार में, के कारण परफेक्ट कंपटीशन में। आप देख किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है कीमत में, लेकिन वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। इसका मांग वक्र कैसा होगा, इसका मांग वक्र ओ एक्स अक्ष के समांतर होगा, ओ एक्स के समांतर। प्रश्न पूछेगा पूर्णतया लोचदार मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतया मांग वक्र क्या होता है, ओ एक्स अक्ष के समांतर होता है। अब देखो ये ओ एक्स अक्ष के समांतर है, ओ एक्स के समांतर, हाँ नहीं, ओ एक्स के समांतर है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है प्राइस का, प्राइस स्थिर है कि, और उसकी मांग में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब परफेक्ट कंपटीशन में बता दिया, परफेक्ट कंपटीशन क्या हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक है, इस कारण क्या है, फर्म किसी प्रकार की कीमत में वृद्धि और कमी नहीं करेगा, इस कारण क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में मांग वक्र क्या होगा, फर्म का पूर्णतया लोचदार होगा। अब लेते हैं अपन सापेक्षतया लोचदार या इकाई से अधिक, अच्छी तरह से समझ लो कि ये वक्र लोच किस प्रकार परिवर्तनशील होती है, वस्तु की कीमत के कारण वस्तु की मांग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। सेकंड बिंदु सापेक्षतया लोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक मांग। अब देखो जैसे नाम से बता रहा है इकाई से अधिक, सापेक्षतया लोचदार। अब देखो
इकाई से अधिक, यानी क्या इकाई से अधिक कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, कितना थोड़ा सा, उस परिवर्तन के कारण उसका अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन इकाई से अधिक, यानी किसी वस्तु की प्राइस क्या है, जैसे 10 रुपए, क्या है 10 रुपए है, 10 रुपए थी तो 20 यूनिट मांगी जा रही थी, कितनी 20 यूनिट, लेकिन क्या हो गया, मान लो उसी वस्तु की प्राइस 11 रुपए हो गई, कितने हो गए 11 रुपए, 10% इंक्रीजमेंट हुई, इक्कीस से अधिक, अब इक्कीस से अधिक 10, यानी 20 के 10 दो, यानी 2 यूनिट कम होनी चाहिए, लेकिन 2 यूनिट कम नहीं होगी उसकी मांग हुई 15, 11 रुपए है तब 15 क्वांटिटी मांगी जा रही है, 21 से अधिक हो गई, कीमत में वृद्धि कितना हुआ 10% हुई है, कितनी हुई है 10%, लेकिन उसकी मांग 10% से कहीं ज्यादा हुई है, यानी 21 से अधिक, जिस रेशियो के अंदर कीमत बढ़ी है उस रेशियो के अंदर क्या होनी थी, उस वस्तु की मांग में कमी होनी थी, लेकिन उस रेशियो में मांग में कमी न होकर उससे अधिक मात्रा में क्या हुई, मांग में कमी हुई है। अब दूसरा व्यू लेते हैं, जब कीमत 10 रुपए है तो 20 क्वांटिटी मांगी जा रही है, अब कीमत 10 रुपए के 9 रुपए हो गए या 8 रुपए हो गए, तो अब क्या है इसकी कीमत 10% या 20% हुई है, डाउन हुई है, तो उसकी मांग 10 या 20% इंक्रीज होनी थी, लेकिन क्या हो गई 20 की जगह 30 मांग ले, 10 के 9 रुपए हुए, उस वस्तु की प्राइस 10 रुपए कितने हो गए, 9 रुपए हो गई, लेकिन उस वस्तु की मांग की मात्रा में बढ़ोतरी होकर कितनी हो गई 30 हो गई, यानी 21 से अधिक हुई, 10% 20 का 10% 2 यूनिट्स होती, यानी 22 यूनिट मांगनी थी, कितनी 22, तो 25 हो गई, 30 हो गई, यानी 21 से अधिक हो गई, यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का सीधा प्रभाव वस्तु की मांग में होता है, वस्तु की मांग में परिवर्तन प्रतिशत अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, ठीक है। आप देखो, जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा मात्रा में 21 से अधिक परिवर्तन होता है, अब देखो एग्जाम्पल तो बता देते हैं, अब देखो रेट एंड क्वांटिटी 10 रुपए थी तब मांग रहे हैं 20 क्वांटिटी मांग रहे हैं, अब देखो फर्स्ट व्यू प्राइस बढ़कर हो गई 11, यहाँ हो गए 15 क्वांटिटी, कितनी हो गई 15, सेकंड व्यू अब 10 की कितनी हो गई 9 रुपए, यहाँ हो गए 25 क्वांटिटी, यानी वस्तु की कीमत में इकाई तो एक परिवर्तन हुआ है, एक इकाई का परिवर्तन हुआ है और मांग 5 इकाई में हो रहा है परिवर्तन होती है, मांग की मात्रा में कितनी इकाई का परिवर्तन होता है 5 इकाई का, तो कह सकते हैं कि मांग में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन के कारण वस्तु की कीमत वस्तु की मांग की मात्रा में क्या होता है इकाई से अधिक परिवर्तन होता है। अब मैंने इससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाई वस्तु पढ़ाई थी आपको, आवश्यकता तीन प्रकार की बताई थी मैंने, अनिवार्य आवश्यकता, आरामदायक और विलासिता, और विलासिता ये वस्तु ये सापेक्ष तेल उधर मांग काम कहाँ पे यूज होगी, विलासिता वाले वस्तु, कौन सी विलासिता वाली वस्तु, कौन सी विलासिता वाली वस्तु होती है ना, उनकी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है उसकी मांग में अचानक क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है। कमी या वृद्धि हो जाती है। अब देखो विलासिता वाली वस्तु
के अंदर देखो क्या होगा कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या अपनी प्राइस है पी पी वन क्यू और क्यू वन, ठीक है। अब देखो प्राइस में तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, क्या होता है थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है। क्या होता है अधिक परिवर्तन होता है, तो इस कारण क्या कहेंगे इकाई से अधिक। ये विलासिता वाली वस्तु, विलासिता यानी कि लग्जरीज आइटम, क्या कौन सी लग्जरीज आइटम। अब देखो एग्जांपल तो मैं बताता हूं आपको पूरा। अब देखो विलासिता वाली वस्तुओं का मांग वक्र इकाई से अधिक होता है। अब देखो मैं आपको दूसरा व्यू बताता हूँ। अब देखो गर्मी का मौसम है, एयर कंडीशन लेते हैं, एसी लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो अब एसी को अपने समर और विंटर लेते हैं, मौसम सीजनेबल लेते हैं या सीजनेबल ले लेते हैं। विंटर विंटर के समय 20 यूनिट डिमांड हो रही है, यहाँ हो जाएगी 25 की। अब तो ये तो उस पर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इकाई से अधिक, यानी कि एग्जांपल तौर पे लेते हैं, जैसे कि 10 रुपए थी, कितनी थी 10 रुपए, कितनी थी 10 रुपए। एक एग्जांपल लेते हैं अपन गाड़ी का लेते हैं, यानी कि क्वांटिटी अपने लेते हैं बाइक का लेते हैं, एग्जांपल किसका लेते हैं बाइक का। जब 50,000 रुपये बाइक की प्राइस थी, तो लोग उस प्रकार के बाइक कितने लोग मांग रहे थे 10 लोग मांग रहे थे। अब इस बाइक की प्राइस 60,000 हो जाए, तो देखना सीधा सा 10 की जगह यहाँ कितना मांगे, 7 लोग ही डिमांड करेंगे, कितना करेंगे 7 लोग ही। अगर ये 40,000 हो जाए इसकी प्राइस, तो डिमांड करेंगे 15 लोग, क्या क्या करेंगे 15 लोग। यानी कि बाइक क्या एक विलासिता वाली वस्तु हो गई, किसके लिए, जो व्यक्ति साइकिल पर अपने दफ्तर जाता है या साइकिल के माध्यम से अपने कार्यों का संपादन करता है, अपने जरूरी कार्यों का क्या करता है संपादन करता है, तो उनकी उसके लिए बाइक क्या हो गई विलासिता वाली वस्तु, क्या हो गई विलासिता वाली वस्तु। तो उसे 50,000 थी, तो केवल 10 लोग मांग रहे थे। अब 50,000 के 60,000 हो गई, तो वो व्यक्ति बाइक नहीं खरीदेगा, 7 लोग ही खरीद रहे हैं। अब 50 की कितनी हो गई 40,000 हो गई, इसके कारण कितने मांग रहे हैं 15 लोग। यानी कहने का मतलब क्या, वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा वस्तु की मांग में क्या हो जाएगा अधिक मात्रा में परिवर्तन, इकाई से अधिक। जिस रेशियो के अंदर कीमत बढ़ी या घटी है, उस रेशियो में उसकी मांग में परिवर्तन न होकर उससे क्या होता है अधिक होता है। ये किसके लिए होगी विलासिता वाली वस्तु है, आरामदायक वस्तु हो गई, अनिवार्य वस्तु हो गई, तब तो इसके इस इकाई से अधिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन विलासिता वाली वस्तुओं पर प्राइस का थोड़ा सा परिवर्तन होने का पूरा प्रभाव पड़ेगा।